आज फिर नगर परिषद क्षेत्र में एक बार से डीएम रिची पांडे के निर्देश पर अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया गया। बता दें कि इस क्रम में शहर के खान बहादुर रोड के समीप नदी किनारे बने अवैध घरों को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया, जिसका नेतृत्व सीओ संजय कुमार द्वारा किया गया। अतिक्रमण अभियान को लेकर अंचल अधिकारी संजय कुमार ने बताया कि जल जीवन हरियाली के तहत उच्च न्यायालय के आदेश अनुसार शहर से गुजरने वाली नदी के किनारे अवैध तरीके से बने हुए मकान को उच्च न्यायालय के साथ साथ जहानाबाद जिला प्रशासन के निर्देश अनुसार इसे अविलम्ब हटाने का निर्देश दिया गया है, जिसके तहत आज खान बहादुर रोड के दक्षिणी छोर में नदी किनारे अतिक्रमण किए हुए लोगों को वहां से हटाया गया। साथ ही सीओ ने यह भी बताया कि जो लोग भूमिहीन हैं उन लोगों के लिए जिला प्रशासन अलग व्यवस्था करेगी और व्यवस्थित तरीके से लोगों को रहने का इंतजाम किया जाएगा। इस अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत लगभग 2 दर्जन से अधिक नदी के छोर पर बने हुए मकान को ध्वस्त किया गया। जीवन हरियाली के अंतर्गत माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में और नदी किनारे जो लोग बस गए हैं उनको हटाए जा रहे हैं, जो भूमिहीन श्रेणी के लोग हैं उनको छोड़ दिया जा रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भूमिहीन श्रेणी के नहीं है, भूमिहीन श्रेणी का है भी तो मकान बनाकर फिर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, जो पुरुष में बढ़ते हैं हटाते जा रहे हैं। ये अभियान हम लोग का चलेगा अभी देवधा नदी में किए जाती करने का हम लोग खाली कराना है। इसका अभियान हम लोगों ने पहले पिछले महीना में शुरू किया था, हम लोगों ने 21 व्यक्ति खड़ाया था और फिर आज शुरू किए हैं, आज भी हटाएंगे हम लोग। और ये अभियान कब तक चलेगा सर? जब तक पूरा अतिक्रमण खाली नहीं होगा कि चलते रहेगा, अभी मान के चलिए दिसंबर जनवरी तक चलते रहेगा। अभी किस रूट में आज खाली हो रहा है सर? अभी हम लोग जाफरगंज कुलिया से रुके हैं, जो गोरक्षणी तक चलेंगे हम लोग, और टाइम मिला तो खुद यहाँ पर मीन करेंगे वरना कल भी जाएंगे। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।